ना कोरोना SOPs का ख्याल, ना हुकूमती पाबंदियों का। पीपल्स पार्टी का मुल्तान जलसे से कबल शो डाउन, PDM कारकुनों की रैली, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी शरीक। कारकुनान रुकावटें हटाते हुए किला कोहना कासिम बाग पहुंचे, गेट तोड़कर स्टेडियम में दाखिल हो गए। जलसागाह को कंटेनर्स लगाकर सील करने के खिलाफ लीगी खवातीन भी मैदान में आ गई। जियालो और मतवालों के पुलिस से भी झगड़े, कारकुनों की स्टेडियम में शदीद नारेबाजी। करप्शन के केसेस वाले जमहूरियत के ठेकेदार बन गए। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन को अवाम की जिंदगियों का ख्याल नहीं, उन्हें ना कानून माफ करेगा ना अवाम। मुल्तान में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकामी इंतजामिया कार्रवाई करेगी। फयाज चौहान कहते हैं, लीडर्स खुद तो करंटीना में बैठे हैं और कारकुनों को कोरोना में झोंक रहे हैं। पेशावर में ये जलसा करके आए, आप जिस जहां जहां बैठ के इन्होंने मुंह में मुंह डाल के लीडरशिप ने जो गप्पे मारी, वो सारे के सारे कोरोना वायरस के शिकार हो गए, सारे के सारे। यहां पे भी इन्होंने यही हरकत करनी है। मेरी अली मूसा गिलानी मेरा भाई है, मेरी उससे भी रिक्वेस्ट है और सईद गनी साहब भी कि जनाब आप बिलावल जरदारी को तो क्वारंटाइन करवा दिया, अब आशफा भुट्टो को क्वारंटाइन करवाना है। यहाँ पे जरदारी की जाती तकरीब में कोरोना रिपोर्ट लाजमी और जलसों में आवाम को शिरकत के लिए कह रहे हैं। वफाकी वजीर सद उमर का सखर में खिताब, कहा कोरोना लीडर और अरकान में तफरीक नहीं कर रहा, वबा के दौरान माशी सरगर्मियों के साथ जानों का तहफ्फुज़ हमारी तरजीह है। SOPs के तहत कारोबार खोल सकते हैं तो जलसे भी होने चाहिए। सिंध के वजीर सेहत सईद गनी कहते हैं, कराची जलसे में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए थे। अगर मुल्क में लोग मिलते हैं SOPs के तहत अपने कारोबार कर सकते हैं तो फिर SOPs के तहत जलसे भी होने चाहिए। हमारी कोशिश होती है, मैंने आपको बताया कि हमने कराची में 1,00,000 मास्क तकसीम किया था, हमने कराची की रैली में हज़ारों मास्क तकसीम किए, हमने सैनिटाइजर लोगों में तकसीम किए। तो यही बुनियादी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों को हम कोविड से बचा सकते हैं और हम कोशिश इस जलसे में भी करेंगे। PDM कटोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आवाम के मुस्तरद अनासर के दिल में जरा सी इंसानियत नहीं, इक्तदार की हवस ने आंखों पर पट्टी बांधी है। करप्शन करने वाले पाकिस्तान की तरक्की पर भी स्याही मलना चाहते हैं, अपोजिशन जमातों को लूट मार का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। शहबाज फैमिली, नून लीगी रहनुमाओं और PDM कायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन जाति उम्रा में आबाई कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध को गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। अली अमीन गंडापुर, सैफुल्ला नियाज़ी भी हमराह होंगे। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब 30 नवंबर को होगा। कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में 45 मरीज दम तोड़ गए। 3,045 नए केसेस रिपोर्ट, मुल्क भर में एक्टिव केसेस 46,861 हो गए। शहरी SOPs की खिलाफ वर्जियों से बास ना आए, बगैर मास्क के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर, दुकानदारों को भी ख्याल नहीं। हैदराबाद में तो हुकूमती अहकामात पर अमल कराने वाले अहलकार खुद SOPs के पाबंद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 4,500 मुलाजमीन को संग दिली से बरतरफ कर दिया। बिलावल जरदारी का ट्वीट लिखा, पीपल्स पार्टी सबकी नौकरियां बहाल करेगी। तारीखी सनती असासा सिंध के आवाम का है, कारकुनों को नहीं, इमरान खान को बर्खास्त करें। आज वेटिकन सिटी में कैथोलिक तारीख रकम होने जा रही है। वॉशिंगटन के आर्च बिशप विल्टन ग्रिगोरी पहले से आफाम अमरीकी हैं जो कार्डिनल के रुतबे पर फाइज होंगे।